हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है तो उसको कैसे कैंसिल कर सकते हो रिक्वेस्ट को। तो फ्रेंड्स, दो स्टेप बताऊंगा, दोनों स्टेप आपको देखना है, 100% जो आपने रिक्वेस्ट किया वो कैंसिल हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन होने वाला भी है तो कैंसिल हो जाएगा आपका। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल करना चाहते हो तो जैसा बताऊंगा वैसा आपको स्टेप फॉलो करना। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम जानते हैं हमारा कैसे कैंसिल करना है रिक्वेस्ट जो हमने कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया है ब्रॉडबैंड के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपने जीमेल अकाउंट में चले जाना है और यहाँ से आपको एक कंप्लेंट करना है, मतलब रिक्वेस्ट करना है कैंसिलेशन के लिए। तो आपको अपना जीमेल ओपन कर लेना है और यहाँ कॉम्पोज दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। कॉम्पोज दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए, आपको ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा, वैसा फॉर्मेट में आपको लिखना है और बाकी आपको दूसरा नहीं लिखना है, सेम टू सेम फॉर्मेट में लिखना है और आपको भेजना है। सबसे पहले तो आपने जो रिक्वेस्ट में नाम दिया था अपना वो लिख लेना आपको, और आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। आपको नाम देख के लिखना, गलत होगा तो आपकी जो ये रिक्वेस्ट है कैंसिलेशन की वो फ्रेंड्स कैंसिल हो जाती है। फिर आपका वो उस पर हम लोग काम नहीं कैंसिल नहीं करेगा आपका, फिर वो आ जाएगा। इसके लिए आपको सही से नाम लिखना है, मोबाइल नंबर भी सही से लिखना है, पूरा आपको क्रॉस चेक कर लेना आपने करेक्ट लिखा है कि नहीं। अब फ्रेंड्स, आपको इसके बाद रिक्वेस्ट लिखना है कैंसिलेशन के लिए। तो जो अपना मोबाइल नंबर लिखना है आपको, यहाँ देखिए कैसा लिखना है वही आपको बता रहा हूँ, सेम टू सेम देख के लिख लीजिए। प्लीज़ कैंसिल माई एयरटेल ब्रॉडबैंड कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, प्लीज़ कैंसिल माई एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन रिक्वेस्ट, ऐसा लिखिए। प्लीज़ कैंसिल माई एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन रिक्वेस्ट एज सून एज पॉसिबल। और फ्रेंड्स, यहाँ आपको डॉट लगा के नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, वो आपका ये जो कंप्लेंट आप कर रहे हो आपको नहीं चाहिए, प्लीज़ कैंसिल माई एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो वो कैंसिल कर देगी आपकी रिक्वेस्ट और आपको नहीं लगाएंगे। और फ्रेंड्स, वो एक बार आपको क्या करते फ़ोन करेंगे पूछने के लिए, तो आप बोल देना हमको नहीं चाहिए, हमने कैंसिलेशन कर दिया है। तो पूछेगा अभी आपको, जब ईमेल वो पढ़ लेंगे तो पूछेगा आपको, कंफर्म करेगा सही में आपको नहीं चाहिए, आपको कनेक्शन नहीं करना, तो आपको बोला नहीं करना। तो ये सब सब्जेक्ट ये सब लिख लेना है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन रिक्वेस्ट 121@airtel.com ऑफिशियल, आप पूछ भी लेना कस्टमर केयर से कॉल करके, ये 121 पे ईमेल आईडी क्या है इस पे आपको सेंड कर देना है। और फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप भी बता देता हूँ, वो भी आपको कर लेना, जल्द से जल्द आपका कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप भी देखना है आपको, दोनों स्टेप करना है। तो ये सेंड हो जाएगा और आपको फ्रेंड्स 24 से लेकर 48 हर्ट्स लगता है रिस्पॉन्ड करने में, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने में, उसके अंदर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, आपको एयरटेल ऐप में चले जाना है फ्रेंड्स। यहाँ आपको एयरटेल का जो चैट है ऐप के अंदर, उसमें लिखना है प्लीज़ कैंसिल माई एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो एयरटेल के अंदर जाएंगे तो आपको साइड में एक चैट का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसके लिए मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, वीडियो पूरा लंबा नहीं कर सकते। डिस्क्राइब द इशू दैट यू आर फेसिंग लिख के आ रहा है, फिर से आपको वही लिख के भेजना है फ्रेंड्स। आपका यहाँ से भी रजिस्टर हो जाएगा कंप्लेंट और वहाँ से भी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपने ऐप से किया तो ऐप से भी हो जाएगा कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट, तो वहाँ से भी हो जाएगा। दोनों जगह से आपको कर देना है फ्रेंड्स और 100% आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, रिक्वेस्ट राइज हो गया हमारा, प्रीपेड से हमने अपना रिक्वेस्ट राइज किया कैंसिलेशन की। यहाँ से भी देखेंगे, वो चेक करेंगे कस्टमर केयर वाले, ईमेल से भी करेंगे, और आपको चाहिए फ्रेंड 121 पे कॉल करके भी कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट कर लेना है। तीन जगह से आपका हो जाएगा, तीनों स्टेप फॉलो कर लेंगे तो पक्का आपका कैंसिल हो ही जाएगा, फिर वो आपको फ्रेंड आएगी नहीं कनेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों, ये स्टेप आपको फॉलो करना है, 100% जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।